झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आलमगीर आलम के नौकर के घर से 30 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। जब नौकर इतना अमीर हो तो मालिक का क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि पूरे तथ्य के साथ गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है झारखंड में और बिहार के कुछ नेता बड़ा डर महसूस कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि उनके पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ निकला था। जब नौकर इतना अमीर है तो मालिक का हाल क्या होगा। तो पूरे तथ्य के साथ गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है झारखंड में और बिहार के कुछ नेता बड़ा डर रहे हैं। ये क्या बात है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। जो ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर ईडी का गठबंधन की सरकार बनेगी तो मैं बाहर से समर्थन करूंगा। देखिए, एक बात तय है, जिस तरह सूरज का उगना तय है, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब की बार 400 के पार जाएंगे। हर चुनाव में कुछ लोग ऐसे संस्थान हैं जो हवा बनाते हैं, ये फेज अच्छा नहीं रहा, वो फेज अच्छा नहीं रहा। अभी तक हम लोग पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं 4 फेज में, अब तो उस पर ऊपर सीटें आ रही हैं। नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। 4 फेज में ही बहुमत मिल गया, अब तो जो 3 फेज है उसमें 400 के पार जाएंगे। तेजस्वी यादव आजकल हर बात पे माई और बाप बहुत बोलते हैं, अब भाजपा को और महंगाई को माई बाप बोल रहे हैं। पहले कहते थे माई बाप की सरकार है, तो इस तरह की भाषा वो बोलते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत मेहनत किए, कमर में चोट भी लग गया, लेकिन सीट आ रही है 0। तो 0 सीट जब आ रही है तो अभी से थोड़ा सा इस तरह का बयानबाजी वो कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा है वो संविधान को खत्म करना चाहती है और आतंक को खत्म। राहुल गांधी, देखिए, संविधान तो संविधान के ऊपर सर रखकर नरेंद्र मोदी जी ने सर झुकाकर शपथ लिया था प्रधानमंत्री का। संविधान न खतरे में था, न है, न रहेगा। संविधान में संशोधन तो ज़्यादा कांग्रेस ने किया था, हम लोग तो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। संविधान है और रहेगा। उद्धव ठाकरे यादव बोल रहे हैं कि 75 साल के बाद पीएम को मार्गदर्शक मंडली में चले जाना चाहिए। लालू जी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तब तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव भूल जाते हैं कि जिस पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी हैं और वो भी उम्र दराज हैं। मोदी का अपमान करते करते वो लालू जी का अपमान करने लगते हैं।